गुस्ताखी हो गई? जी नहीं, नहीं। तो फिर तशरीफ रखिए ना। क्या बात है राम? वो यहां भी आ गई। राजेश, कुछ सुना तुमने? उसकी पुकार? नहीं राम, मैंने तो कुछ भी नहीं सुना। वो मुझे पुकार रही है राजेश, मुझे जाना ही होगा, मुझे जाना होगा। माफ कीजिएगा, पता नहीं कभी कभी राम को क्या हो जाता है, मेरी कुछ समझ में नहीं आता। बाबू, तुम्हें भी कोई लड़की पुकार रही है? हाँ, मगर तुम हो कौन? मैं चौकीदार हूं साहब। यहां कोई आत्मा भटकती है, वो सामने जो कब्रिस्तान है ना, वहीं से आवाज आती है, हर आने जाने वाले को बुलाती रहती है। आप घर जाइए साहब। क्यों बाबू, आप भी किसी को बचाने आए हो? लेकिन यहां किसी की चीख सुनाई दी थी। ये कोई भटकती हुई आत्मा की चीख है बाबू, जो हर रात सुनाई पड़ती है, और कोई ना कोई इधर से गुजरने वाला आधी रात को मेरी नींद खराब कर देता है। जाओ, अपने घर जाओ बाबू। यहां का चौकीदार वहां बेहोश पड़ा है। लेकिन यहां का चौकीदार तो मैं हूं बाबू। अगर आप यहां के चौकीदार हैं तो फिर वो कौन है? आइए मेरे साथ आइए। अजीब बात है, अभी तो यही बेहोश पड़ा था। यहाँ कोई चौकीदार नहीं है बाबू, भटकती हुई आत्माएं हैं। आप अपनी जान की खैर मनाइए, घर जाइए घर।
चित्रलेखा। मैं यहां हूं। राम, जैसा तुम्हारा नाम है वैसे तुम महान भी हो, फिर तुम्हें अनारकली जैसी औरत के कोठे पर जाने की क्या जरूरत थी? तुम्हें क्या अधिकार है यह सवाल करने का? पत्नी के अधिकार से पूछा है। कैसी पत्नी, किसकी पत्नी, कैसा अधिकार? जाने वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैं तुमसे मिला था, तब से तुम एक मुसीबत की तरह मेरे पीछे पड़ गई हो। आज से तुम्हें तुम्हारे घर में भी रहने आ गई राम। मेरे माँ बाप ने तुम्हारी माँ से मुझे अपनाने के लिए भीख मांगी, तुम्हारी माँ को दया गई और मुझे इस विश्वास के साथ बॉम्बे ले आई कि तुम मुझे अपना लोगे। इस जन्म में तो क्या मैं तुम्हें अगले जन्म में भी नहीं अपनाऊंगा? कुदरत के निजाम को कोई नहीं बदल सकता। इंसान रहो राम, भगवान बनने की कोशिश बेकार है। घर जाओ, वहां हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। साहब भैया आ गए। माँ जी, राम आ गया बेटे। कैसी है माँ, आने की खबर क्यों नहीं दी मुझे? मत छुओ मुझे, इसे अपने साथ यहाँ क्यों लाई माँ? राम, मैं बहू को इसलिए लाई हूँ। इसलिए लाई हो कि चित्रलेखा के माँ बाप ने तुम्हारे सामने झोली फैलाकर अपनी बेटी के जीवन की भीख मांगी, तुम्हें दया आ गई और तुम इसे अपने साथ यहाँ ले आई। हाँ राम, लेकिन ये सब तुम कैसे जानते हो? इसने मुझे खुद बताया है। ये सब झूठ है, मैं गांव से यहाँ तक माँ जी के साथ हूँ, ना ही मैं आपको मिली और ना ही मैंने आपको कुछ बताया। हाँ बेटा, बहू हर पल मेरे साथ थी। ये हर पल तुम्हारे साथ होते हुए भी माँ कहीं भी आ जा सकती है। ये तो क्या कह रहा है, ये तेरा वहम है। ये वहम नहीं माँ, समझ का फर्क है। जिसे तुम इंसान समझती हो इंसान नहीं बल्कि एक भटकती हुई आत्मा है। आप इस पर तरस खाकर यहाँ तो ले आई है माँ, मगर इसे इसकी हद समझा दीजिए। इतना बड़ा घर है, जहां भी रहना हो रहे, मगर मेरे बेडरूम में कभी भूले से भी कदम न रखे। We'll be right back.